बस्तर दशहरा में अब आगामी वर्ष से एक नया रस्म जुड़ेगा। बस्तर दशहरा में चलने वाले रथ के निर्माण के लिए लगने वाली लकड़ियों की क्षतिपूर्ति के लिए अब हर वर्ष साल और बीजा के पौधे लगाने का कार्य करने के साथ ही इसे बस्तर दशहरा की अनिवार्य रस्म में जोड़ा जाएगा। यह घोषणा सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष श्री दीपक बैज ने मार्केल में बस्तर दशहरा रथ निर्माण क्षतिपूर्ति पौधारोपण कार्यक्रम में किया। बस्तर दशहरा स्थल पर 365 पौधे लगाए गए थे, जिनमें मात्र 3 पौधे नष्ट हुए, जिसके स्थान पर नए पौधे लगा दिए गए हैं। बस्तर दशहरा रथ निर्माण क्षतिपूर्ति पौधारोपण कार्यक्रम में सांसद दीपक बैज ने कहा कि बस्तर दशहरा सामाजिक समरसता के साथ अपने अनूठे रस्मों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस पर्व में चलने वाला रथ एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है। इस रथ के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए वृक्षों को काटने की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा कि बस्तर की हरियाली को बनाए रखने और बस्तर दशहरा के लिए लकड़ियों की लगातार आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए अब प्रतिवर्ष साल और पीजा के पौधे लगाने का कार्य बस्तर दशहरा के रस्म के तौर पर आयोजित किया जाएगा। यह पर्व मानसून के दौरान हरियाली अमावस्या को शुरू होने के कारण उसी दौरान पौधे लगाए जाएंगे, जिससे इनके जीवन की संभावना और अधिक बढ़ेगी। सांसद ने यहां लगाए गए पौधों की रखवाली कर रहे लेखन और बहादुर को 5-5 रुपए प्रदान करने के साथ ही उनके रहने के लिए शेड बनाने की घोषणा की। सीएम साहब कहना ये कि जो भी फल नहीं देता उसको गांव वाले जाके काटते हैं। अगर आम, इमली, महुआ, ठोरा का अगर पौधा लगाएंगे, कोई गांव वाला नहीं काटता है, इसलिए फलदार वृक्ष भी लगाएं, सीएम साहब का स्पष्ट निर्देश रहता है। तो उसी के मार्गदर्शन में हम लोग अब पौधा वृक्षारोपण कर रहे हैं। माता बहने युवा साथियों, निश्चित रूप से आने वाला समय में ये पौधा जब 50-60 साल बाद होगा, यही से पौधा जाएगा। हम जिंदा रहे नहीं रहे, हम पद में रहे नहीं रहे, हम यहाँ पे रहे नहीं रहे, लेकिन हमारा लगा हुआ पौधा, हमारा रास्ता दिखाया हुआ जो पौधा और आप और हम लोग का लगाया हुआ पौधा याद करेंगे जब 40-50 साल के बाद रथ बनने के लिए जाएगा। कि यहाँ बस्तर दशहरा कमेटी के अध्यक्ष उस समय दीपक बैज थे, उपाध्यक्ष फलाना फला अर्जुन मांझी थे, बलराम मांझी थे, उस समय सीसीएम डीएफओ फलाना थे, तहसीलदार फलाना थे, सरपंच फलाना व्यक्ति रहे, जनपद सदस्य फलाना व्यक्ति रहे, मांझी मेम्बरीन फलाना व्यक्ति थे, और गाँव में मुखिया फलाना पटेल और कोतवाल फलाना व्यक्ति थे, चौकीदार फलाना व्यक्ति ने रक्षा किया है। आज वो पेड़ जाकर बस्तर दशहरा में काम आएगा और बस्तर दशहरा का रथ बनेगा। माई जी की डोली सवार, माई जी की छत्र सवार होगी उस रथ में। मतलब सोच लीजिए कितना बड़ा हम पुण्य का काम करके जा रहे हैं। माता बहने, आज इस मार्केल गांव में इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ।